सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेके सभी सीरियस होते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका सिक्योरिटी और प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, लेकिन इतने में अगर किसी का सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो उसके लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है। अगर आपके पास यूएसबी है और आपकी यूएसबी पेन ड्राइव में आपके पर्सनल डेटा है और कहीं पे गुम हो जाती है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ कि जिसकी मदद से आप अपने यूएसबी को पासवर्ड प्रोटेक्ट बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए मज़ीद इस तरह की टेक वीडियोस देखने के लिए। मैं हूं अली और आप देख रहे टेक लर्नर्स। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करें और सर्च बार में अपने टाइप करना है यूएसबी सिक्योर। यूएसबी सिक्योर ओपन होने के बाद आपने ये वाला लिंक क्लिक करना है, फाइल हिप वाला, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। एक्जी फाइल मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो इसे क्लोज करके विंडोज एक्सप्लोरर पे जाएंगे, डी ड्राइव। अच्छा, अभी आपने यूएसबी लगानी है, मैंने यूएसबी लगा दिया और मेरे पास यूएसबी में ये इम्पोर्टेंट फाइल है ऑफिस की, तो मैं चाह रहा हूँ कि इनको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करूँ। तो इसके लिए डी ड्राइव में जैसे कि ये एक्जी फाइल मैंने डाउनलोड कर दी है यूएसबी सिक्योर, आपने इस पर डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल करनी है। टर्म्स एंड एग्रीमेंट सिंपल एक्सेप्ट करना है, तो इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट यूएसबी को कर दी है जी ड्राइव, तो सिंपल इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको क्लोज करें, ठीक है। यूएसबी आपके पेन ड्राइव के अंदर ही एक अपना जगह बना लेता है। अच्छा, यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्ट दिस यूएसबी ड्राइव यानी यूएसबी सिक्योर सेफगार्ड योर डेटा इन केस ऑफ डिवाइस इज स्टोलन और लॉस्ट, क्लिक यस टू कंटिन्यू। सिंपल आपने यस पे क्लिक करना, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड कोई ऐसा पासवर्ड आप अपने लिए सेट करें जो कि बाद में आपके लिए आसानी हो। मैं यहाँ पे कोई आसान सा पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, डन बटन पे क्लिक करें और इसके बाद आपने लॉक यूएसबी वाले बटन पे क्लिक करके इसे सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जितने भी ऑफिस के फाइल्स थे सब के सब लॉक हो चुके हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लॉक का निशान लोगो साफ नज़र आ रहा है, तो चेक करते हैं इसको, क्लोज करेंगे, इसको भी क्लोज करें, विंडोज एक्सप्लोरर पे जाएंगे, यूएसबी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जितने भी मेरे पास थे वो सब लॉक हो चुके हैं, प्रोटेक्ट हो चुके हैं। तो एक्सेस करने के लिए मुझे इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड देना पड़ेगा, तभी मुझे एक्सेस मिल सकता है। सिंपल आपने इसको ओके करना है। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने एक्सेस करना है तो मैंने इसे अनलॉक करना है, ये मेरे सारे फाइल्स वापस अनलॉक हो चुके हैं। जैसे कि मैं कोई सा भी अपना फाइल ओपन कर लेता हूँ, लाइक ये वाला, ये ओपन हो गया। वापिस अगर आपने इसे लॉक करना हो तो आपने सिंपल लॉक यूएसबी पे क्लिक करें और सेलेक्ट ऑल करें, यहाँ से चेक करके ये देख
आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉक के निशान वापस आ गए। क्लोज कर इसको, इसको भी क्लोज कर, विंडोज एक्सप्लोर पे चले जाएं, दोबारा आपसे पासवर्ड पूछे जाए। ओके अनलॉक, ये मेरा फाइल वापस अनलॉक हो चुकी है। इसके अलावा एक और तरीका भी है बिट लॉकर, मगर बिट लॉकर को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बिट लॉकर एक लेंथी प्रोसेस है। अभी अगर आपने मिसाल के तौर पर अगर आपने 1 GB की फाइल को अगर आपने इनक्रिप्ट करना हो तो बिट लॉकर में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, सॉफ्टवेयर के मुकाबले यानी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से ज़्यादा कहीं ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए मज़ीद इस तरह की टेक वीडियोज़ देखने के लिए।